तुमको देखे कि तुमसे शेर सुने। तो कभी कभी यह होता है कि आप सामने हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं तो महसूसात की गहराइयों से सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत अंदाज का माहौल दिया है। यावर अली खान साहब को खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं एक बार फिर। मैं इस वक्त माइक पर इसलिए हाजिर हुआ हूं, सदन साहब से इजाजत भी चाहता हूं कि एक तरतीब तोड़ रहा हूं मैं इस फहरिस्त की। एक ऐसी शख्सियत जो अदब के किसी भी हवाले से तारुफ के मोहताज नहीं है। जब वो कहते हैं कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, वरना जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये ऐलान होता है दोस्तों कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ये लहजा, ये उसलूब वो है कि जिन्होंने तकरीबन नसीब सदी पहले, तकरीबन 40-50 बरस पहले इस मैदान में कदम रखा था। मुशायरों की ये महफिलें उस जमाने में भी आरास्ता होती थी, लेकिन पूरे मुशायरों में इनकलाब बरपा हो गया था उस आवाज को सुनकर, जिस आवाज ने बहुत वसूख के साथ ये ऐलान किया था कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। सुनकर हैरत में लोग पड़ गए, साहब कि ये क्या है। उसके बाद उनकी तकरीबन 2 दर्जन किताबें, उसके बाद उनकी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी फिल्में जिन्होंने बड़े खूबसूरत से नगमे आप तक सब तक पहुंचाए, और हजारहा ऐसी रातें जो उनकी आवाज से, उनके अशार से मुनव्वर हुई हैं। वो नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी का। मैं इस वक्त बिल्कुल फहरिस्त की तरतीब तोड़कर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शुक्रगुजार भी हूं। मैंने एक बात और वाजे कर दूं कि यह मुशायरा 14 अक्टूबर को होना था, लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब उस दिन हमें दस्तियाब नहीं थे। हमने बात की उनसे, उन्होंने कहा मैं 16, मैंने कहा आप 16 को आप तशरीफ ला सकते हैं, कहेंगे हाँ मैं 16 को आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर राहत साहब को मैंने भागने नहीं दिया, इतने अख्तियारात में रखता हूं। मुझे फख्र है कि मैं डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे अजीम शायर का दोस्त होने का शरफ रखता हूं। मेरी दोस्ती उन्होंने कबूल की और ये दावत कबूल करते हुए बरसा बरस के बाद आज एक मरतबा फिर शाहबाद की सरजमीन पर डॉक्टर राहत इंदौरी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी देर तक डॉक्टर साहब अपनी जगह से उठकर यहां तक आए, आपकी तालियों की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर राहत इंदौरी माइक। शुक्रिया वासिफ। सलाम अलैकुम दोस्तों। हाँ हाँ, लड़के हैं ना आप? अरस्तु है ये। हाँ, मैंने इनसे पूछ लिया कि है तो लड़के ही ना भाई है। दोस्तों, मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि 20-25 बरस पहले मैं इस शहर शाहबाद में एक मरतबा मुझे डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद लेकर आए थे। लेकिन आपके सामने मैं ये एतराफ करता हूँ दोस्तों कि सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ आज यहाँ पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शेर पढ़ूँ, ठीक है। और जब तक मैं माइक पर शेर पढ़ रहा हूँ तो मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वह बातें ज़रा इख्तिसार से काम ले बातों। सुनिए मुझे जहाँ से शेर याद आएंगे, अल्लाह करे के कुछ शेर याद। कुछ बच्चों ने मुझे एक शेर याद दिलाया था, वहीं से वही जहन में है, वहीं से मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अर्ज क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो, इसका मतलब ये नहीं कि जो इधर वाले हैं ये सुन नहीं रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत शराफत से सुन रहे हैं, बस ये फर्क है आप दोनों में। दोनों सुन ले अल्लाह। अस क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा,
अभी लबालब भरा नहीं हूं। क्या कहने, क्या कहने, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। मैं ये यावर अली खान साहब का बहुत बहुत मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल जहां हिंदी उर्दू के बहुत ही मिला जुला माहौल और इतना खुशगवार महफिल सजाई है, उसी इस महफिल का मैं भी एक हिस्सा हूं। उसके लिए भाई वासी फारूकी और यावर अली खान साहब, जिन्होंने अपने वालिद मरहूम की याद में ये मुशायरा किया। आजकल इतने सआदतमंद औलादें होती ही नहीं जो अपने बाप को याद रख सकें। मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, अगर वो मुझसे वादा करे कि पापा आपके मरने के बाद मैं इसी महफिल सजाऊंगा, तो मैं आज ही मरने को तैयार हूँ। क्या बात है, क्या मुलाहिज़ा फरमाए, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। अर्ज क्या है कि हम जितने भी साहब हिंदी वाले हों चाहे उर्दू वाले हों, सब के लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं, सब शरीक हो जाए तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और यहां से शरीक हो जाएं दोस्तों कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये शेर खास तौर पर पढ़ना चाहता हूं दोस्तों कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हाय हाय, अरे वाह वाह, दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। साहब एक मतलब सुने कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। और तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। ये किसकी जुबान कतरने की बात कर रहा हूं इसे आप पहचानिएगा। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी। सदर साहब जो हैं ग्रामर के बड़े मास्टर हैं हमारे, जो पीछे बैठे हुए हैं, देखिए ये मुशायरों में बड़ी मजबूरियां होती हैं। अब सदर साहब मेरे अजीज तरीन दोस्त हैं,
लेकिन उन्हें मोहतरम कहना पड़ रहा है मुझे। तो वो ये कहते हैं कि सर राहत इंदौरी साहब आप ग्रामर की गलत इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर का, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, ये कतरना नहीं होता है, जुबान कतरनी बहुत जरूरी है, ये उर्दू में बोला जाता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सदर मोहतरम मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूं वो इतनी बड़ी है कि वो कतरनी से नहीं होगा, कतरना ही लगेगा, तो वो कतरना ही लगेगा उसमें। कह रहा हूं कि मेरी जुबान कतर, तेरी जुबान कतरना, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, तुझे मरज है कि तू बार बार। और ये शेर का मजा लीजिएगा, और फिर मैं भी ये बता दूं कि मैं इख्तिसार के मायने जानता हूं, तुझे मरज है कि तू बार 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 बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। सुने दोस्तों के नए एक गजल के दो चार शरीफ, इतनी अच्छी माहौल बनाया जिस वक्त आपने, मैं बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूं कि आजम शाहगरी गजल पढ़ रहे थे या तारिक कमर अपनी नज्म और गजलें सुना रहे थे या हसीम सोद साहब सुना रहे थे, और जिस तरीके से आप सुन रहे थे तो खुदा की कसम कुर्बान जाने को जी चाह रहा था कि ऐसी ऐसी महफिलें हिंदुस्तान से खत्म हो चुकी हैं जैसी यहाँ हैं। लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ यहाँ पर कि दिल डसता है ना तो प्यार डसता है वगैरह कुछ हो गया, तो मैंने भी फिर वहाँ पर मैं सो बैठे बैठे कुछ अच्छी गजलें याद की थी, लेकिन वो सब गड़बड़ा गई। लेकिन अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि तीन चार शेर में पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ तो आप साथ दे दें। अस क्या है कि सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, देखिए दिल भी डसेगा और प्यार भी डसेगा इंशाल्लाह। अस्कराओं के थप सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए कोई बताए कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, और ताल्लुकात में, ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे, ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे, और बहुत सी नजरें, ये तगज़ल का एक शेर है, बहुत मुश्किल रहती मेरे सामने, और मैं कहता भी नहीं हूँ गजल वजल के, तगज़ल मेरे हिस्से में आया भी नहीं, सारी जिंदगी लगा रहा काम में लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन शेर कहने की जसारत करते रहा, कभी कोई कोई अच्छा करे अल्लाह करे शेर हो जाए। बता दिया किसी कमजोर, पीछे से सदर साहब ने कहा कि इरशाद इरशाद जोर से कहा, इसका मतलब इख्तिसार इख्तिसार। बता दिया किसी कमजर्फ ने छलक के मुझे, और सुनिए कि बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में, इसकी दाद दे दीजिएगा बस मेरा जी खुश, अगर शेर पसंद ना आए तो भी मेरा दिल रखने के लिए दाद दे दीजिएगा, इसलिए कि शेर मुझे अच्छा लगता है। बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में, इशारा कर दिया उसने जरा सरक के मुझे, बहुत सी नजरें, अरे वाह वाह वाह, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में, इशारा कर दिया उसने जरा सरक,
सब बहुत बहुत राहत नवाजी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कहाँ कहाँ यार भाई, एक गजल के लिए हुक्म दिया गया है। उन्होंने जो गजल कही मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस बड़ी महफिल में, इस बड़े मुशायरे में मैं दो चार शेर आपको मैं और पढ़ के सुनाऊं, हाजिर कर रहा हूं। अर्ज किया है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, वाह 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 वाह, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता। बेटा ये उर्दू में लिखा हुआ मेरे समझ में क्या आएगा, हिंदी में, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, शेर गारत हो गया, इतना अच्छा शेर पढ़ने वाला था कि पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग, मैं सदर साहब के पास में बैठा हुआ हूं, और हर शायर के लिए हम दोनों में भी इख्तसार कह रहे हैं, तो मुझे भी जब तक अगर मैं भी उस पर अमल नहीं करूंगा तो ये बेईमानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और कीमती और मुशायरे के लिए आप सबको मुबारकबाद। मैं फरमाइशें कभी भी पूरी नहीं करता हूं, और आपको हिदायत भी देता हूं और मशवरा भी देता हूं कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहमियत की हामिल है कि वो हमारे मुशायरे में इस तरह शरीक हैं, कुछ उनके साथ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो मुशायरों में सफर करते हैं, लेकिन जिस अजियत से सफर करते हैं उसका एहसास भी है हम लोगों को। बड़ी बात है कि मेरी छोटी सी गुजारिश उन्होंने कबूल की, और यावर अली खान साहब के एहतराम में, सर सैयद अहमद खान के एहतराम में, दीपावली के शुभ अवसर के आगमन के जज्बे ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो शाहबाद की इस धरती पर तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुंतजमीन की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की। बहुत मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से कुछ लोग राहत साहब को सुनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि उनके जज्बात का थोड़ा सा एहतराम कर लें, थोड़ा सा, और कुछ शेर और सुना दें तो ये मुशायरे के हक में भी अच्छा होगा, हम सब के लिए ये भी अच्छा होगा, और हम समझेंगे कि हमने राहत साहब को बुरा कर यकीनन उन्हें किसी परेशानी में मुब्तला नहीं किया है, बल्कि अपने ज़हनी सुकून का सामान किया है। मैं गुजारिश करता हूं कि एक मुर्तबा आपने कुछ अशआर से नवाज दें। अच्छी बात है साहब, मैं हाजिर हूं, लेकिन जरा सा मेरी आदतें थोड़ी सी खराब आप लोगों ने की, पूरे देश भर ने, कि मुझे खुद लगना चाहिए कि मैं जो सुना रहा हूं वो आप तक पहुंच रह भी रही है कि नहीं ये बात। और मेरा ख्याल है कि मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं वो ठीक ठाक ही थे, मतलब ज़्यादा ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ी शायरी थी ये, लेकिन ठीक ठाक थे, मुशायरों में काम चल जाता है उन शायद शेर से। तो मैं गज़ल जो उन्होंने याद दिलाई थी मनोहर भाई ने, वो एक बार मुझे उन्होंने फिर से याद दिलाई, तो मैं शेर पढ़ता हूँ। ये गज़ल भी ठीक ठाक ही है, अच्छी गज़ल है, तो अल्लाह करे कि आप कबूल कर लें।
तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, अरे वाह फेंक दिया है मैंने, हक है आपका, चंद मिट्टी के चरागों को, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, वाह, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, और आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, अब गजल वाले हैं, इस गजल का शेर मुलाहजा फरमाए, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, वाह 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 वाह।